संजय भंसाली बनाना चाहते थे गीता गोविंदम का रीमेक, लेकिन रोहित शेट्टी ने खरीद लिए राइट्स। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म गीता गोविंदम 2018 में तेलुगु में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी। इसके बाद से काफी लंबे समय तक यह चर्चा थी कि इसका हिंदी रीमेक जरूर बनेगा। कुछ दिन पहले रोहित शेट्टी ने यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में बनाने के लिए राइट्स खरीद लिए हैं। हालांकि संजय लीला भंसाली की यह दिल्ली तमन्ना थी कि वे इसका रीमेक बनाना चाहते हैं। सूत्र के अनुसार विजय की यह फिल्म एक पैशनेट लव स्टोरी है और इसे अच्छा प्रतिसाद मिलने के बाद कई निर्माता इस फिल्म का रीमेक बनाना चाहते थे। उनमें से एक भंसाली भी थे। उन्होंने फिल्म के राइट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन चर्चा आगे बढ़ नहीं सकी। वहीं वे अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गए, इसलिए वे इस फिल्म का रीमेक बना नहीं पाए। लेकिन अब रोहित इसका रीमेक बनाने जा रहे हैं। कास्टिंग नहीं हुई फाइनल। हालांकि रीमेक की कास्टिंग के लिए किसी भी अभिनेता का नाम चर्चा में नहीं है, लेकिन जब भंसाली ने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, तब वे ईशान खट्टर को लीड रोल देना चाहते थे। हालांकि ईशान ने उस समय इस बात की पुष्टि नहीं की थी। विजय की तीसरी फिल्म जिसका रीमेक बनेगा, यह विजय की तीसरी फिल्म होगी जिसका हिंदी में रीमेक बन रहा है। इसके पहले अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह बना, जिसमें शाहिद कपूर लीड रोल में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की थी। इसके बाद फिल्म डियर कॉमरेड के हिंदी रीमेक के राइट्स करण जौहर ने खरीदे हैं और अब यह तीसरी फिल्म है जिसके राइट्स रोहित ने खरीदे हैं।